नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार कांग्रेस में टूट की खबर और संगठन में बदलाव को की चर्चा को लेकर आज बिहार कांग्रेस के तमाम विधायक, सांसद और विधान पार्षद राहुल गांधी से मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंचे हुए। दिल्ली में मुलाकात के लिए पहले वरिष्ठ नेताओं का मुलाकात हो रहा है, उसके बाद बताया जा रहा है कि शाम तक विधायक विधान पार्षदों की मुलाकात होगी। लेकिन जब कांग्रेस के बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीरा कुमार और कीर्ति जहाजत मिलकर बाहर निकले तो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये सुनिए। बिहार में जो कांग्रेस है उसे कैसे और मजबूत किया जाए, कैसे वहाँ की राजनीति में, वहाँ पर इस समय बहुत ही जो मुख्यमंत्री है उनसे संभल नहीं रहा है, तो कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, इस विषय पर चर्चा हो, इस विषय पर वो राय जान रहे हैं। क्या कांग्रेस संगठन में बदलाव की बात हो रही है मैडम, प्रदेश अध्यक्ष की बात हो रही है बदलाव के लिए? इस विषय में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं दे सकती हूँ, लेकिन बिहार कांग्रेस को लेकर के राय जानना चाह रहे हैं राहुल जी, तो इसीलिए सब जितने वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पर आए। इसी बीच कांग्रेस टूट की भी खबर आ रही थी कि नीतीश कुमार के संपर्क में तमाम विधायक हैं कांग्रेस के। मैडम नहीं, सब अलग भी मिल रहे हैं, कुछ इकट्ठा भी मिल रहे हैं, कई तरह के फॉर्मेट है। टूट की भी खबरें आ रही हैं नीतीश कुमार के संपर्क में बताया जा रहा है कांग्रेस के विधायक हैं, उन्हीं को लेकर भी मुद्दे पे बात हो रही है। ऐसी कोई अध्यक्ष को लेकर जल्दी फैसला लिया जाए, क्या उसमें चर्चा हुई अध्यक्ष को लेकर? नेतृत्व परिवर्तन बिहार में मैम जल्द होगा, इस तरह की चर्चाएं थी पिछले। ऐसा है, इस विषय पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं दूंगी, मगर ये अवश्य कहूंगी कि कांग्रेस को बिहार में कैसे और भी ज़्यादा बल दिया जाए, इस पर राय जानना चाह रहे हैं राहुल जी, और इसीलिए उन्होंने सभी वरिष्ठ नेताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया है। थैंक यू। नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। आपको मालूम है कि यह एक स्वस्थ परंपरा है कि सब राज्यों के लोगों को बुलाया जाता है, बिहार की भी बारी आई है, संगठन को लेकर के चर्चा की बिहार में क्या करना चाहिए, और सामूहिक रूप से जब सबको ये लोग मिल करके विचार देते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ नया निकलता है, और उसी को देखते हुए आज सबों को बुलाया गया था और बहुत अच्छी चर्चा हुई। बदलाव को लेकर के तो कोई बात हुई नहीं। टूट की खबर निकल कर सामने आ रही है। ये टूट की खबर बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरी खुद सबसे बात हुई है और ऐसा कोई भी नहीं है जो टूट करके जा रहा है, तो ये जितने भी अटकलें लगाई जा रही हैं सबों को पानी फेर देना चाहिए। तो आपने सुना मीरा कुमार का साफ तौर पर कहना है कि बिहार कांग्रेस में बदलाव के संगठन में होगी, उसकी कोई भी चर्चा नहीं है। साथ ही साथ जो बिहार कांग्रेस में टूट की खबर आई है वो केवल बेबुनियाद है। राहुल गांधी से मुलाकात को लेकर जो बिहार में नीतीश सरकार की जो खामियां हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह की तैयारियां हों उसको लेकर राहुल गांधी से मुलाकात की जा रही। साथ ही साथ कीर्ति झा आजाद का भी यही कहना था कि कांग्रेस में जो टूट की खबर है वो केवल बेबुनियाद है, ऐसी कोई भी बात निकल कर सामने नहीं आ रही है। साथ ही साथ जो नीतीश कुमार की खामियां हैं और आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें बिहार कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, किस तरह से वो आने वाले चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी, इसको लेकर बातचीत हुई है। फिलहाल इस खबर से जुड़ी जो कुछ भी अपडेट होगा न्यूज़ फाउंडेशन आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ये मैं कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें, उस वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें या फॉलो करें। शुक्रिया।